हेलो दोस्तों, यह है सैमसंग का एक बजट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A03 कोर जो सैमसंग की तरफ से आने वाला है। इसकी प्राइस और फुल डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर इसके चारों तरफ से आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और बॉक्स के बैक साइड में इसको कुछ हाईलाइटेड फीचर जैसे कि इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, 6.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी मिल जाता है, 8MP का फ्रंट कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा। दोस्तों, इस फोन में एक मुझे बहुत ही खास चीज लगा, इसके जो कैमरा है 8MP का कैमरा होने के बाद ही बहुत ही बढ़िया कैमरे की क्वालिटी और 5MP का भी बहुत अच्छे कैमरे की क्वालिटी है। तो बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, इसके फोन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। दोस्तों, चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो हमने बॉक्स को कर लिया है ओपन। इसमें सबसे ऊपर आपको मिल जाता है बहुत ही बढ़िया डिवाइस, जो आप देख सकते हैं कलर बहुत प्यारा है। इसके साथ आपको मिल जाता है 10 एक अडप्टर मिल जाता है, अडप्टर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में आपको मिल जाता है माइक्रो USB डाटा केबल, जो डाटा केबल की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 7500 की रेट में ऑफलाइन स्टोर ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाता है। वैसे बॉक्स के ऊपर आप 10500 रेट देख सकते हैं, तो ये आपको 7500 की रेट में बहुत ही बढ़िया फ़ोन मिल जाएगा। 2GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.5 इंच HD प्लस आपको डिस्प्ले TFT LCD स्क्रीन मिल जाता है। अगर कम प्राइस होंगे तो डिस्प्ले आपको नॉर्मली मिलेगा और ये स्टडी वेज के लिए या घर के फैमिली नॉर्मल यूज के लिए आप फोन परचेज करने वाले हैं तो बहुत ही बढ़िया फोन है। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाता है और कैमरे से मैंने कुछ फोटो और वीडियो क्लिक किया, आप देख ही सकते थे कि कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाता है, कलर कंट्रास्ट अच्छा देखने को मिल जाता है। जब आप फोटो वगैरह क्लिक करते हैं तो पिक्सल नहीं ड्रॉप होता है, फोटो की क्वालिटी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। कैमरे में भी आपको नॉर्मल मिल जाते हैं फीचर, बट एक कम प्राइस सेगमेंट में आपको एवरेज फीचर के साथ में और डिस्प्ले के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आप इसके अबाउट फोन में सेटिंग में जाकर के अबाउट फोन में देख सकते हैं, इसके सारे आपको डिटेल मिल जाता है। दोस्तों, एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 11 के साथ में देखने को मिल जाएगा और इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, अब सैमसंग का अपना UI ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ये चीज़ का आपको बेस्ट बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों, ये बजट स्मार्टफोन और काफ़ी बढ़िया चीज़ आपको फोन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, कम प्राइस सेगमेंट में आप फोन लेने वाले तो बहुत ही अच्छा है, कैमरे क्वालिटी अच्छे मिल जाते हैं, लुक वाइज काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों, आपको बिल्ड प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ में मिल जाता है, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे हैं, ये काफ़ी अच्छे देखने में लगते हैं। बैक में आपको स्क्रैचलेस बॉडी है, इस पर लाइनिंग देखने को मिल जाती है, स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते। अगर थिकनेस की बात करें तो काफ़ी स्लिम सेट आपको देखने को मिलेगा, साइड से आपको बैक से आपको थोड़ा कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छे मिल जाते हैं, लुक वाइज बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। तो दोस्तों, आप 7500 के बजट के अंदर फ़ोन परचेज करने वाले थे, फ़ोन बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक।